तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे लूप्स की। तो हमने आपको इससे पहले की क्लास से बताया था कि लूप का इस्तेमाल आखिर होता कैसे, लूप क्या है, ये सब चीज़ें हमने समझाई थी। अब मैं आपके साथ एक चीज़ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मुझे इन शीट्स का डेटा कॉपी करके इस शीट के नीचे पेस्ट करना है, एक शीट में A1 by 1। अगर मैनुअल करते हैं तो मैं यहाँ से एक को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा, लास्ट में जाऊँगा, फिर कॉपी पेस्ट करूँगा, इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को वीवीएम प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे किया जाए, चलिए इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ हमारा कौन सा पहले देखते हैं, फाइल जो कौन सा है, यह है Book 3, और हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के Book 3 वाले में आते हैं और यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। ऑलरेडी मॉड्यूल इंसर्ट है तो एक और इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट में यहाँ आ रहा या कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देते हैं 4 1 2, तो यहाँ पे 4 i = 1 2। और जैसे कि सीट हमारे पास कितना 6 है, हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, फिर नेक्स्ट i। अब इसके बीच में कोड करेंगे हमें सीट 1 पे जाना है यहाँ पे सबसे पहले। तो सीट 1 पे जाने के लिए कोड यहाँ लिखाएगा seats1.select। पर प्रॉब्लम है कि 1 तो हमेशा रहेगा नहीं, तो ये i जो है हमारा 1 है। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि seat1.select हुआ और फिर रेंज a1.currentRegion.copy। फिर हम यहाँ डेटा शीट पर वापस आएंगे, तो यहाँ देंगे शीट्स डेटा सेलेक्ट, और हमें सबसे लास्ट में आना है, तो यहाँ देते हैं a65000.xlsup.offset1.0.select। और पेस्ट करने का जो पार्ट होता है वो सीट का होता है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, तो ये आपका काम कर जाएगा। लेकिन क्या है कि 1 कर दिया तो हमेशा 1 सीट को ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आई जो है वो सीक्वेंस मेंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम आई को दे देते हैं, हमने आई को दे दिया। अब यहाँ अगर हम करते हैं कॉपी पेस्ट, अब चलिए एक काम करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ एफेट यूज करते हैं, एफेट हमारा होता है, एफेट किया तो ये देखिए i = 1 आ गया। यहाँ पे देखिए तो पहले वाली शीट पे पहुँच गया, डेटा कॉपी किया, डेटा शीट पे वापस आया और इसने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब इसको ए से सेम चीज जो है 6 टाइम चलेगा, अगर मैं इसको चलाऊं तो 6 टाइम चलेगा। इसको रन करता हूं, 6 टाइम चला, बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये 6 के जगह पे जोड़ी नहीं है, 6 ही सीट हो, यहाँ पे हो सकता है कि 60 सीट हो, 600 सीट हो। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने यहाँ दे दिया seats.count
seeds.com, पहली चीज समझ में आया आपको। सीट डॉट काउंट करेंगे तो डेटा सीट को भी काउंट कर लेगा, अगर सीट डॉट काउंट करेंगे तो डेटा सीट को भी काउंट कर लेंगे। इसलिए यहां पे हम एक माइनस करेंगे, ठीक है, हमने वन को माइनस किया। हाँ ओ भी हमें आते हैं, वन बाय वन आते हैं, फिर वन बाय वन करते हैं। तो अब एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका हेडिंग जो है हर पे आ रहा है, मैं एक हेडिंग मैनुअली डाल दिया हूं और मैं चाहता हूं हेडिंग ना है। तो जब भी हम इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा हेडिंग जो है वो पहले सिलेक्शन में होता है, जो आराम से डिलीट किया जा सकता है। तो जो हेडिंग वाला कॉलम भी एक्टिव शीट होता है, तो यहाँ पेस्ट जगह पे नीचे डाल देंगे हम एक्टिव शीट डॉट एंटायर रो, एक्टिव सीट एक्टिव सेल हो क्या मतलब, एक्टिव सेल डॉट एंटा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कॉलम रो डिलीट हो जाएगा और हेडिंग नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आज से आपने बोला कि डेटा शीट जो है वो अगर बीच में कहीं हुआ तो क्या, डेटा शीट कहीं बीच में हुआ तो यहां सबसे पहले माइनस को हटाएंगे और यहां देना होगा कंडीशन इफ देना होगा। यहां देंगे इफ एक्टिव नहीं, यहां एक्टिव नहीं माफ कीजिएगा, शीट्स और इसके अंदर आई डॉट इज नॉट इक्वल टू डेटा दैट, और फिर यहां इसको हम एंड इफ कर देते। तो हमने पहले कंडीशन लगा दिया कि अगर सीड का नाम डेटा नहीं है तभी इस सारा प्रोसीजर को करे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको कहीं भी उठा के रख दिया तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैं इसको रन करूँगा माइक्रो को, माइक्रो आरआर, तो आप देखिए कॉपी पेस्ट हो रहा है और डेटा शीट में आके उन्होंने पेस्ट कर दिया। इससे डेटा शीट कहीं भी हो सकती है। इसमें सीट डॉट काउंट क्या है, नंबर ऑफ शीट जितना भी है वो सबको काउंट करेगा। समझे सर, उसके बाद हमने यहां पे कंडीशन दिया है नॉट इक्वल टू साइन होता है कि अगर नेम अगर डेटा नहीं है, बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि अपर केस लोअर केस नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए डेटा स्मॉल में लिखा है और यहां आपने कैपिटल में लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए एक फॉर्मूला होता है यू केस का, आप यू केस का फॉर्मूला लगाएं और यहां भी यूके यहां इसको मतलब कि इसको कैपिटल में लिख दें। तो आपका सीट का नाम चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, इससे आपका केस सेंसिटिव भी नहीं रहेगा। समझ में आया सर, हेलो